शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 6 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 6 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों 5 दिसंबर को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस दोस्तों मनाया गया। तो दोस्तों 5 दिसंबर को दोस्तों हर साल 5 दिसंबर को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी 2021 की थीम क्या थी दोस्तों, वॉलंटियर नाउ फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। और दोस्तों 5 दिसंबर को ही विश्व मृदा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोस्तों मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतरीन बनाने के लिए हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों इसको मनाता कौन है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO इस दिवस को मनाते हैं दोस्तों। और दोस्तों 2014 से यह दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों 5 दिसंबर को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों 5 दिसंबर को ही विश्व मृदा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में ओडिशा राज्य में स्वीकार करने से मना किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों 1820 में यह पाइका विद्रोह हुआ था। तो दोस्तों ओडिशा में खुदरा के पाइका लोगों के द्वारा 1820 में पाइका विद्रोह हुआ था। इसको स्वतंत्रता की पहली युद्ध के रूप में स्वीकार करने की मांग की गई थी दोस्तों हाल ही में, लेकिन केंद्र सरकार ने इस मांग को स्वीकार करने से मना कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकारने से मना किया था, जो कि ओडिशा राज्य में हुआ था। और दोस्तों हाल ही में, और मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता का पहला युद्ध किसे कहा जाता है, तो दोस्तों 1857 का जो सैन्य विद्रोह हुआ था उसे स्वतंत्रता का पहला विद्रोह माना जाता आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसीलिए 1820 में हुआ पाइका विद्रोह को पहले युद्ध के रूप में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, जो कि ओडिशा में हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध में स्वीकार करने से मना कर दिया था दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में स्थित अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन बहुत चर्चा में रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन, यह जानवरों और पक्षियों को गोद लेने की प्रथा यहाँ पर शुरू की गई थी। और दोस्तों इसमें कुछ अपन फीस रखी जाती है, और उस फीस को देकर जो भी अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन में जानवर या पक्षी है उनको आप गोद लो सकेंगे, ऐसी यहाँ पे एक शुरू हुई थी योजना। तो दोस्तों लेकिन अभी यह फीस को कम कर दिया गया था, पहले यह फीस बहुत ज़्यादा थी, अब इस फीस को कम कर दिया गया था दोस्तों। तो दोस्तों अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानवरों और पक्षियों को गोद ले रहे हैं। तो दोस्तों इसीलिए कोलकाता में स्थित अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन चर्चा में रहा था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन चर्चा में रहा है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंडोनेशिया देश के जावा द्वीप पर सेमेरू ज्वालामुखी फटा है। तो दोस्तों 11 गांवों में मची तबाही इस ज्वालामुखी से फटने से। यह ज्वालामुखी का नाम है सेमेरू ज्वालामुखी दोस्तों। और दोस्तों कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है दोस्तों यह जावा द्वीप पर सेमेरू ज्वालामुखी फटने से। और दोस्तों इस विस्फोट के वजह से हजारों लोग विस्थापित होने को मजबूर हो गए हैं दोस्तों। और दोस्तों इस ज्वालामुखी से निकलने वाली राख ज्वालामुखी से 4 किलोमीटर तक चली गई है दोस्तों। आप इमेजिन कर सकते हो कि विस्फोट कितना भयंकर था। और दोस्तों इस विस्फोट की वजह से गांव घर और वाहन ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा और राख से ढक गए हैं दोस्तों। और दोस्तों इस विस्फोट की वजह से गांव घर और वाहन पर ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा और राख से ढक गए हैं। और दोस्तों न जाने कितने पशु इस सैलाब के नीचे आ गए हैं। और दोस्तों सैकड़ों लोग आसपास के मस्जिदों, स्कूलों और अन्य गांवों के हॉल में शरण लिए हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इंडोनेशिया देश के जावा द्वीप पर सेमेरू ज्वालामुखी फटा है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में मैं आपको बता दूं कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, यह दुनिया का सबसे तेजी से पानी के अंदर डूबता हुआ शहर है। तो दोस्तों इसीलिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से बोर्नियो आइलैंड में शिफ्ट कर दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इंडोनेशिया देश के जावा द्वीप पर सेमेरू ज्वालामुखी फटा है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। और दोस्तों हाल ही में एलिन एसजी का निधन हुआ। तो दोस्तों सबसे उम्रदराज क्रिकेटर एलिन एसजी का हाल ही में निधन हुआ। तो दोस्तों इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेटर एलिन एसजी का हाल ही में निधन हुआ। तो दोस्तों इंग्लैंड के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर एलिन एसजी का निधन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य के कोरबा में AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी दे दी गई है। तो दोस्तों अमेठी के पास कोरबा में AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी दे दी गई है।
तो दोस्तों लगभग 5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन होगा अमेठी में। और दोस्तों इस गन की रेंज है 300 मीटर और यह काफ़ी लाइट वेटेड राइफल है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य के कोरबा में AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, आज दिनांक 6 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी भारत की ऑफिशियल आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी 6 दिसंबर को भारत के ऑफिशियल यात्रा आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं तो दोस्तों हाल ही में सऊदी अरब देश ने आर्थिक सहायता पैकेज के तहत पाकिस्तान को $3 अरब दिए हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान में काफ़ी कैश क्राइसिस हो गया है और दोस्तों यहाँ की नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान को सऊदी अरब से मिली राहत। और दोस्तों सऊदी अरब ने $4.2 बिलियन की मदद की है। और दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जी ने हाल ही में सऊदी अरब देश की यात्रा की थी, तभी उन्होंने सऊदी से मदद मांगी थी दोस्तों। और दोस्तों लगभग 1 महीने बाद सऊदी ने आर्थिक सहायता पैकेज के तहत पाकिस्तान को $3 अरब दिए हैं, यानी कि $4.2 बिलियन की आर्थिक मदद की है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में सऊदी अरब देश ने आर्थिक सहायता पैकेज के तहत पाकिस्तान को $3 अरब दिए है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की गई है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी महिलाएं जो पहले जॉब करती थी पर कुछ प्रॉब्लम के वजह से उन्होंने जॉब छोड़ी थी, तो दोस्तों उनको अब फिर से जॉब पर लाने के लिए बैक टू वर्क के नामक योजना राजस्थान राज्य सरकार ने शुरू की है दोस्तों। और दोस्तों इस योजना में महिलाओं को रेगुलर वर्क का भी ऑप्शन रहेगा और वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं तो दोस्तों हाल ही में इंडियन डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड IDRCL के नए अध्यक्ष के रूप में संजय जैन जी को चुना गया है दोस्तों। तो दोस्तों संजय जैन जी को इंडियन डेब्ट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड IDRCL के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं तो दोस्तों हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर जी ने 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया है दोस्तों। तो दोस्तों भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने अबूधाबी UAE में आयोजित 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया है दोस्तों। दोस्तों अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया। तो दोस्तों अबूधाबी UAE में आयोजित 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को डॉक्टर एस जयशंकर जी ने संबोधित किया। इस 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या था दोस्तों? इंडियन ओशियन इकोलॉजी इकोनॉमी एंड एपिडेमिक। तो दोस्तों हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर अपने विदेश मंत्री जी ने 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं तो दोस्तों हाल ही में अलका उपाध्याय जी को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI की नई अध्यक्ष बनी है दोस्तों। तो दोस्तों 1990 बैच की MP कैडर यानी कि मध्य प्रदेश कैडर की IAS ऑफिसर है दोस्तों अलका उपाध्याय जी। अभी हाल ही में ही इनको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की नई अध्यक्ष के रूप में चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं तो दोस्तों हाल ही में पहला पूर्ण रूप से COVID-19 टीकाकरण करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश राज्य बन गया है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने 100% अडल्ट पॉपुलेशन को COVID-19 टीकाकरण कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में पहला पूर्ण रूप से COVID-19 टीकाकरण वाला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं तो दोस्तों हाल ही में ZyCoV-D यह दूसरा स्वदेशी वैक्सीन भारत के 7 राज्यों में लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ZyCoV-D यह दूसरा स्वदेशी वैक्सीन है आफ्टर द दोस्तों COVID-19 वैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा जारी कोवैक्सीन यह पहली वैक्सीन थी अपनी दोस्तों स्वदेशी निर्मित। और दोस्तों यह दूसरी स्वदेशी निर्मित वैक्सीन है ZyCoV-D, इसको ही यह 7 राज्यों में लॉन्च किया गया है। तो 7 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। इन 7 राज्यों में ZyCoV-D यह दूसरी स्वदेशी वैक्सीन को लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह वैक्सीन 12 वर्ष से लेकर 19 वर्ष के बच्चों को लगाई जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में ZyCoV-D यह दूसरी स्वदेशी वैक्सीन है जो कि भारत के 7 राज्यों में लॉन्च की गई है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं तो दोस्तों हाल ही में स्पेन की महिला फुटबॉलर एलेक्सिया पुटेलस जी ने महिला बैलेंडियोर जीता है दोस्तों। तो दोस्तों स्पेन की फुटबॉल पटु फुटबॉलर एलेक्सिया पुटेलस जी ने महिला बैलेंडियोर जीता है दोस्तों। और दोस्तों मैंने हाल ही में आपको बताया था कि पुरुषों का बैलेंडियोर किसने जीता है, तो दोस्तों अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोनल मेस्सी जी ने पुरुषों का बैलेंडियोर जीता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में स्पेन की महिला फुटबॉलर एलेक्सिया पुटेलस जी ने महिला बैलेंडियोर अपने नाम किया जीता है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 6 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अपन आज की रिविजन दोस्तों। आज अपन क्या पढ़े? तो दोस्तों 5 दिसंबर को 2 दिवस मनाते हैं। 5 दिसंबर को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस और विश्व मृदा दिवस के रूप में 5 दिसंबर को अपन मनाते हैं। और दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया, जो कि उड़ीसा में हुआ था दोस्तों पाइका विद्रोह। और दोस्तों हाल ही में पश्चिम बंगाल का अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन काफी चर्चा में रहा है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में इंडोनेशिया देश के जावा द्वीप पर सेमेरु ज्वालामुखी फटा, उससे बहुत हानि हो गई दोस्तों इंडोनेशिया को। और
दोस्तों हाल ही में सबसे उम्रदराज इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेटर एलिन एस जी का निधन हुआ। और दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य के कोरबा में AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन को मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। और दोस्तों आज दिनांक 6 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में सऊदी अरब देश ने आर्थिक सहायता पैकेज के तहत पाकिस्तान को $3 अरब यानी कि 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में इंडियन डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड IDRCL के नए अध्यक्ष के रूप में संजय जैन जी को चुना गया है। और दोस्तों हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर जी ने 5वें हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित किया। और दोस्तों हाल ही में अलका उपाध्याय जी को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की नई अध्यक्ष के रूप में चुनी गई दोस्तों अलका उपाध्याय जी। और दोस्तों हाल ही में पहला पूर्ण रूप से COVID-19 वैक्सीनेशन टीकाकरण करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। और दोस्तों हाल ही में ZyCoV-D यह दूसरा स्वदेशी वैक्सीन भारत के 7 राज्यों में लॉन्च किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में स्पेन की अलेक्सिया पुटेलेस ने महिला बैलन डी'ओर जीता है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 6 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर्स ऑडियो चैनल को आप फॉलो कीजिए दोस्तों। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों। जय भोले।